सत्तरवा अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामयी है, इसलिए जो पुरुष ऐसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थिर भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कुश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। वे वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु बुद्ध बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवणयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार यथार्थ भोजन करने के पदार्थ और राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। रोग को उत्पन्न करने वाले आहार यथार्थ भोजन करने के पदार्थ राजस प्रिय पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को सावधान करके फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता शांत भाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की बलि भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुष द्वारा है। पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप का यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित तथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के पाप प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर किया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत् सत, ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद
तथा यज्ञ आदि रचे गए, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करने से ही आरंभ होती है। तत् यथार्थ तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में भी जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। इति श्री 17वां अध्याय फिनिश।